सब्सक्राइब टू माय चैनल सुनील बायोलॉजी जयपुर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपडेट्स। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर P2। क्वेश्चन नंबर 93 था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। चार ऑप्शन दिए हुए थे यहां पर, GLUT1, GLUT2, GLUT3 एंड GLUT4। इसका करेक्ट आंसर है GLUT4। आप अगर NCERT के क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे तो उसमें एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में नीचे सबसे आखिर में लिखा हुआ है GLUT4। ये GLUT4 होता क्या है? ये GLUT4 है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टाइप 4, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है। स्पेशली ये एडिपोज टिश्यू एंड स्टेटेड मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो जब भी कभी इंसुलिन का लेवल लो होता है तो ये GLUT4 की जो वेसिकल सेल्स के अंदर जो वेसिकल्स में होता है वो आके मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को सेल के अंदर बढ़ाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, GLUT4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, आइडेंटिफाई द सेल्स हूज सिक्रीशंस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस एंजाइम्स। देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पर, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स एंड ड्यूओडेनल सेल। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन का कीवर्ड है प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम से बचाने वाला। अब यहां पर अगर आपको याद हो तो गॉबलेट सेल्स, जिनको हम क्या भी बोलते हैं, म्यूकस सेल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल्स पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम में होती है और इनका काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन, और ये म्यूकस जो यहां से सिक्रेट होता है ये एक इंटरनल प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाती है इंटेस्टाइनल वॉल में, जो कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम से इंटेस्टाइन की वॉल को कोरोड होने से बचाने का काम करती है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।